तहसील प्रशासन कर्शना से न्याय की उम्मीद से हार कर पीड़ित महिला ने आत्मदाह की दी चेतावनी। नमस्कार, एफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। कर्शना एसडीएम कार्यालय पर मंगलवार को न्याय के लिए हंगामा करती पीड़ित महिला आत्मदाह करने की दी चेतावनी। कर्शना तहसील प्रशासन की लचर न्याय व्यवस्था से आजिज एक पीड़ित महिला आत्मदाह करने को मजबूर है। अनगिनत शिकायतों के बावजूद महिला ने आजिज आकर एसएसपी प्रयागराज से अपनी पीड़ा बताते हुए न्याय की फरियाद की है। कर्शना तहसील के बराव गांव की रहने वाली महिला ललिता देवी पत्नी दुर्गा प्रसाद ने गांव स्थित बराव में सन 2015 में आराजी संख्या 1075 क्रय किया था, जिसका राजस्व अभिलेखों में नाम अंकित है। उक्त पर महिला मकान बनवाकर अपने बच्चों के साथ रहती है। उक्त जमीन और उस पर बने मकान को गांव का एक दबंग किस्म का कर्शना थाने में तैनात चंद्रमा प्रसाद चौकीदार ने जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़ित महिला वर्षों से दूसरे के मकान में किराए पर आधा दर्जन से अधिक परिवार के साथ रह रही है। महिला ने एसएसपी से शिकायत में बताया कि तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट में उक्त चौकीदार को जबरन कब्जा करने की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि चंद्रमा प्रसाद के कब्जे वाली जमीन व मकान की भूमि राजस्व अभिलेखों में नाम अंकित नहीं है और उक्त जमीन जबरन कब्जा कर लिया गया है। रिपोर्ट लेखपाल ने दी है, उसके बावजूद तहसील प्रशासन पीड़ित महिला की जमीन और मकान पर से जबरन कब्जा नहीं हटवा रहा, जिसको लेकर पीड़िता ने मंगलवार को एसडीएम कर्शना, जिलाधिकारी प्रयागराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह को फैक्स भेजकर 15 सितंबर को तहसील मुख्यालय कर्शना में आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। यूएफटी न्यूज 24 के लिए प्रयागराज से सुशील कुमार की रिपोर्ट।